हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतूस कुकिंग हब। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ हरितालिका तीज सरगी स्पेशल थाली। इस हेल्दी थाली को मैंने बिना अनियन गार्लिक के बनाया है। इस थाली को आप किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं। तो आइए इस थाली की रेसिपी को बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मिक्स वेज। तो मिक्स वेज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है गोभी। तो ये 400 ग्राम के करीब गोभी है। इसे मैंने ऐसे बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। और अभी मैंने यहाँ पे ली है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने लिया है 3 बड़े चम्मच तेल। तो मैं यहाँ पे सरसों तेल यूज कर रही हूँ। साथ में मैंने 1 छोटी चम्मच जीरा लिया है और जीरा चटक चुका था तो मैंने यहाँ पे गोभी को डाल दिया है। और गोभी को डालने के बाद इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भुनना है। यहाँ पे तेल में मैंने सरसों तेल यूज किया है, पर आप जो भी तेल यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं व्रत में। और आप देख सकते हैं कि मैं इसे ढक ढक के भून रही हूँ। तो 4 से 5 मिनट तक हमें इसे ऐसे ही भूनना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोभी अच्छे से भून चुकी है। गोभी भुन चुकी है तो इसमें मैंने डाला है 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। और साथ में मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 छोटी कटोरी ले रही हूँ कैप्सिकम। तो यहाँ पे मेरे पास ये 3 कलर के कैप्सिकम थे तो मैंने वो डाल दिए हैं। ऐसे मोटे टुकड़ों में कट किया है मैंने। इस सब्जी को बनाने में जो सब्जियाँ मैं यूज कर रही हूँ वो व्रत में खाई जाती है फ्रेंड। तो अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। इसमें मैं और भी सब्जियाँ यूज करूँगी आगे। तो अभी मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 बड़े साइज का टमाटर और उसे भी मैं डाल के ढक के भूनूंगी। और आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से भून चुकी है सब्जी और मसाला भी आधा भून चुका है। तो इस टाइम पे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें 200 ग्राम पनीर जिसे मैंने ऐसे क्यूब में कट किया है। और साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 छोटी कटोरी हरा मटर और इसे डाल के हमें अभी भून लेना है। मैं इस सब्जी को ड्राई रखने वाली हूँ। अगर आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो मसाले की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 4 से 5 मिनट और इसे भून लिया है। और ये हमारी मिक्स वेज पूरी तरह से रेडी है। साथ में मैंने हरा धनिया डाल दिया है। और आप देख सकते हैं कि ये हमारी व्रत वाली सब्जी पूरी तरह से रेडी है। अभी हम लोग बनाएंगे भिंडी मसाला। भिंडी मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो इस टाइम पर मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा यहाँ पे देख सकते हैं आपकी चटक चुका है तो मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर दे रही हूँ। और अभी मैंने यहाँ पे ये छोटे छोटे टुकड़ों में 1/2 kg भिंडी को कट किया है। और अभी हमें इसे डाल के अच्छे से भुनना है। मैं भिंडी को मीडियम फ्लेम पे भून रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि लो फ्लेम पे भूनेंगे तो ये चिटचिटा हो जाएगा। और अभी हम इसे खुला ही भुनेंगे, बिल्कुल भी ढक के नहीं भुनेंगे। और मैंने इसे 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही भून लिया है और ये अच्छे से अभी भून चुकी है। तो इस टाइम पे मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और साथ में मैं 1 टमाटर कट करके डाल रही हूँ बारीक टुकड़ों में। और अभी हमें इसे भुनना है। तो साथ में मैं यहाँ पर नमक भी ऐड कर दे रही हूँ। तो अभी हम लोग इसे लो मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे, क्योंकि भिंडी पहले हमने मीडियम फ्लेम पे भुनी है और बिल्कुल भी चिटचिटी नहीं लग रही है। तो अभी ये चिटचिटी नहीं होगी, आप देखेंगे एकदम ड्राई भिंडी हमारी बन रही है। अगर आप जैसे ही भिंडी को डालेंगे तेल में और लो फ्लेम कर देंगे तो वो चिपचिपी हो जाती है भिंडी।
और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भिंडी हमारा अच्छे से भून चुका है और यह हमारा भिंडी मसाला पूरी तरह से रेडी है। अभी हम लोग बनाएंगे सेवई खीर। सेवई खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच घी। घी को हल्का सा गर्म होने देना है हमें। और अभी मैं डाल रही हूँ 1/2 कप सेवई। तो यहाँ पे आज मैं खीर मोटे सेवई से बना रही हूँ और इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है और इसे आप कंटिन्यू चलाते रहें फ्रेंड। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी सेवई लगभग भून चुकी है। तो इस टाइम पे मैं डाल रही हूँ कटे हुए बादाम, 2 चम्मच डाला है मैंने, और साथ में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच किशमिश। इन सब चीज़ों को हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। और इस टाइम पे मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहे तो फ्रेश नारियल का भी यूज कर सकते हैं ग्रेट करके। और अभी देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ये सब चीज़ें अच्छे से भून चुकी है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 500 ml दूध। तो ये फुल फैट मिल्क है, मैंने बॉयल करके ये दूध रखा हुआ था तो वो डायरेक्ट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर आपके पास कच्चा दूध है या फिर फुल फैट मिल्क नहीं है तो आपके घर में जो भी दूध आता है आप वो यूज कर सकते हैं। और अभी हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है जब तक कि हमारी सेवई अच्छे से पक ना जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेवई आधी पक चुकी है और आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी दिख रहा है ये हमारा सेवई खीर। तो इस टाइम पर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच छोटी इलायची पाउडर और साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 कप चीनी। तो चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर चम्मच से देखें तो मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच चीनी डाले हैं। और अगर आप चीनी नहीं खाते हैं तो आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी ये खीर आपका बहुत टेस्टी बनेगा। और यहाँ पर चीनी डाल के मैंने 2 से 3 मिनट और पका लिए हैं और ये हमारा सेवई खीर पूरी तरह से रेडी है। थोड़े से ड्राई फ्रूट से मैंने इसे गार्निश किया है। और अभी हम लोग बनाएंगे रायता। रायता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दही और दही को मैं अच्छे से फेंट ले रही हूँ। अभी ये बहुत थिक है तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और साथ में मैं यहाँ पे देख सकते हैं 1 छोटी कटोरी डाल रही हूँ खीरा कटा हुआ, आप चाहे तो घिस के भी डाल सकते हैं। 1 छोटी कटोरी टमाटर, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा और 1 हरी मिर्च डाला है मैंने। साथ में मैंने यहाँ पे हरा धनिया डाला है। इन सब चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। और अभी मैं डाल रही हूँ इसमें नमक और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये हमारा रायता रेडी है। मैंने थोड़े से धनिया से इसे गार्निश कर दिया है। अभी हम लोग बनाएंगे पूरी। पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप आटा, ये नॉर्मल आटा है जो हम लोग डेली में यूज करते हैं, गेहूं का आटा। और अभी मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच डाले हैं घी। साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच अजवाइन। और इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से हाथों से मिक्स करना है ताकि जो भी मोइन डाला है हमने वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अभी हमें थोड़ा सा गुनगुना पानी से इसे गूंथ लेना है। तो ये आटा हमें नॉर्मल ही गूंथना है लेकिन थोड़ा सा कड़क रखना है, जैसे जब हम लोग रोटी के लिए आटा लगाते हैं वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसे थोड़ा सा हार्ड रखना है लेकिन मिक्स बहुत करना है। और आटा अभी लग चुका है तो हमें इसे ढक के 5 से 6 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ देना है। और 5 से 6 मिनट हो चुकी थी तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाला है घी और इसे मैं अच्छे से हाथों से फिर से मिक्स करूँगी। और यहाँ पर आटा पूरी तरह से रेडी है। और अभी मैंने इसमें से 1 छोटा सा लोई ले लिया है, जितनी बड़ी पूरी आप बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी ले। और बस जैसे हम लोग नॉर्मल पूरी बनाते हैं वैसे इसे हमें बेल लेना है। और अभी मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया था घी गर्म होने के लिए और ये हमारा घी भी गर्म हो चुका है। तो इस टाइम पर मैं यहाँ पर इसे डाल रही हूँ और लो मीडियम फ्लेम पर हमें पूरी को तल लेना है। और ये आप देख सकते हैं कि हमारी फुली फुली पूरी पूरी तरह से रेडी है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरी कितनी खस्ता बनी है क्योंकि हमने इसे गूंथने के लिए गुनगुना पानी यूज किया है और मोइन को भी अच्छे से मिक्स किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरी पूरी तरह से रेडी है, बिल्कुल भी पिचक नहीं रही है क्योंकि ये बहुत अच्छे से
बनी है और ये हमारी तीज स्पेशल सरगी की थाली पूरी तरह से रेडी है और बहुत ही हेल्दी है। तो आप इस तीज पे या फिर किसी भी फेस्टिवल में इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी ये थाली की रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।